सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अपने नोटिफिकेशन ऑन करें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर न्यूज अपडेट बाय कंफर्ट राइड्स। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था कि होंडा ने अपनी बाइक्स की प्राइस को पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर इंक्रीज कर दिया है। ऑन द सेम डे यामाहा ने भी अपनी बाइक्स की प्राइस में चेंजेस लाई थी, लेकिन यामाहा की ये बात है कि वो जब भी अपनी बाइक्स की चेंजेस का नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें एटलीस्ट 15 डेज का डिफरेंस होता है। तो यामाहा ने भी अपनी बाइक्स की प्राइस में इजाफा कर दिया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 16 सितंबर 2019 से होने जा रही है। लास्ट जो चेंज यामाहा ने किया था वो जुलाई 2019 के स्टार्ट में भी किया था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि इन्होंने लास्ट प्राइस क्या रखी थी और उसमें कितना इजाफा किया है और उनकी न्यू प्राइसेस क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वेरिएंट जो कि इनका YBZ मॉडल है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है इनकी, उसकी प्राइस इन्होंने जुलाई 2019 में बढ़ाकर 1,30,500 रुपया की थी। अब उसमें 3,000 का इजाफा करके उन्होंने इसकी जो न्यू प्राइस लॉन्च की है उसके अकॉर्डिंग इसकी न्यू प्राइस जो बनती है वो 1,33,500 रुपया है। सिमिलरली इनका जो सेकेंड मॉडल है जो कि YBR ESD या YBR स्टैंडर्ड मॉडल जो इसको कहते हैं, उसकी प्राइस इन्होंने जुलाई 2019 में इंक्रीज करके 1,47,500 रुपीज़ की थी, जिसमें अब इन्होंने 3,000 का इजाफा करके उसकी जो न्यू प्राइस लॉन्च की है वो 1,50,500 रुपीज़ है। थर्ड और इनकी लास्ट प्रोडक्ट जो कि YBR G है, इनका सबसे अपर वेरिएंट एक किस्म का ये कंसीडर करते हैं, उसकी प्राइस की बात कर लें तो उसकी प्राइस इन्होंने जुलाई 2019 में इंक्रीज करके 1,53,000 कर दी थी, जिसमें इन्होंने 3,500 रुपीज़ का इजाफा करके अब इसकी जो न्यू प्राइस लॉन्च की है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस 1,56,500 रुपीज़ हो चुकी है। ये तो थी यामाहा की न्यू प्राइस लिस्ट जो कि सितंबर 2019 से इंप्लीमेंट होगी। अभी इसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज बाकी हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सकते हैं अपनी बाइक परचेज़ कर लें फिर 16 सितंबर 2019 से पहले पहले, ताकि आपको ओल्ड प्राइस में आपको बाइक मिल जाए। पाकिस्तान में मेजरली जो मिडिल क्लास को हिट करते हैं वो तीन ही ब्रांड हैं, यामाहा, सुजुकी एंड होंडा। होंडा और यामाहा ने तो अपनी बाइक्स की प्राइस में इंक्रीज़ कर दिया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होंडा की बाइक्स जो हैं वो 1 सितंबर से न्यू प्राइस के साथ अवेलेबल हैं, और जो यामाहा की बाइक्स हैं वो 16 सितंबर से न्यू प्राइस के साथ अवेलेबल होंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए सुजुकी चुप है, आई डोंट नो कि वो कब अपना मुंह खोलेगा और अपनी बाइक्स की प्राइस में वो भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये तो ट्रेंड बना हुआ है कि इन तीनों ने बारी बारी अपनी अपनी बाइक्स की प्राइस में इंक्रीज़ करते जाना है। सिमिलरली ये गाड़ियों में भी इसी तरह हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की न्यूज़ अपडेट के लिए, बाइक्स और कार की रिव्यू के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।